दोस्तों कहते हैं दर्द सबके एक हैं, दर्द सबके एक हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया। डिपेंड आप पर करता है कि आप निखरना चाहते हैं मेहनत करके या फिर टूट करके बिखरना चाहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर चैनल कोशी स्टडी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बायोलॉजी का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग 100 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के इस लाइव सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों बता दूं कि प्रत्येक दिन शाम 7 बजे आप सभी लाइव जरूर आ जाया कीजिए और शाम 6:30 बजे भी आप सभी लाइव जरूर आ जाया कीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में था, इसका जवाब देना है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि हम बीच में नहीं बोलेंगे। और दोस्तों एक शेयर इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड के साथ कर देना है, जिससे कि आपका फ्रेंड भी आपके साथ लाइव आ सके और आप खुद को जज ज़रूर कर पाएँ कि हम कितना फ्रेंड से कंपेयर करने पर कितना आगे हैं या फिर पीछे हैं। तो दोस्तों इस लिंक को आपको एक शेयर ज़रूर करना है। चलिए दोस्तों ये आपका होमवर्क के रूप में था। पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है किसके द्वारा बताइए? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा? ये आपका होमवर्क के रूप में था, इसका जवाब आपको फिर से देना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते चलिए। दोस्तों हाइपोथैलेमस द्वारा जो है नियंत्रित होती है। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैंगरहैंस दीपिकाओं द्वारा, थायराइड द्वारा? तो दोस्तों ये सब आपको एंजाइम में मिल जाएगा, 10th क्लास का है, वहां पर आपको सभी एक साथ मिल जाएंगे। तो अंडाशय द्वारा जो है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है बताइए? सेरिब्रम, प्राण इंद्रिय पाली, डायसेफिलॉन या फिर ऑप्टिक? मनुष्य के सूंघने की क्षमता कौन नियंत्रित करता है? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सेरिब्रम नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? पिट्यूटरी में, सेरिबेलम में, स्पाइनल कॉर्ड में, हाइपोथैलेमस में? शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है नियंत्रित होता है। अगला है आपका टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, वृक्ष से, अंडाशय से या फिर थायराइड ग्रंथि से? तो अंडाशय से इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो आपका एस्ट्रोजन स्रावित होता है और यहाँ पर आपको बताना है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा वृषण से, ये जो है स्रावित होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? सबसे लंबी कोशिका कौन है बताइए? इसका कोई एक ही आंसर होगा, इनमें से सभी नहीं हो सकता है। रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका या मांसपेशियाँ? तो बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप से 9th 10th में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव। मुंह में मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक आना, आँखों के पलकों का झुकना या फिर इनमें से सभी? बताइए कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया? सबसे पहले किस हार्मोन का अध्ययन किया गया यानी कि खोज किया गया? थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, सीरेक्टिन या फिर ऑक्सीटोसिन? तो दोस्तों सही जवाब है सीरेक्टिन जो है सबसे पहले खोज में आया। आगे बढ़ते हैं।
का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मैग्नीज नहीं है? पहला ऑप्शन है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, पियामीटर, ड्यूरामीटर या फिर अरेक्न वायमीटर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सेरिब्रो स्पाइनल द्रव जो होता है इसमें मैग्नीज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किसे माना जाता है? जो भी अनैच्छिक क्रिया होती है इसका नियंत्रण केंद्र किसे माना जाता है? सेरिब्रम को, मेंडुला अम्लागेंटा को, ऑप्टिक पॉली को या फिर इनमें से सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला अम्लागेंटा को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पराग नलिका का बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जलानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाशानुवर्तन या रासायनिक अनुवर्तन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक अनुवर्तन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं? बताइए, फल पकाने के लिए बहुत बार पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी, जो कि आपका पादप हार्मोन से आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त है? ऑक्सिन, जिवकेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन, क्या होगा? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एथिलीन जो होता है पादप हार्मोन है और फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है। श्वास कोशिकाएं क्या बनाती है? सिनेप्स बनाती है, न्यूरिलेकस बनाती है, मेडुलरी सीथ बनाती है या फिर तंत्रिका तंतु बनाती है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूरिलेकस बनाती है श्वास कोशिकाएं। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण एवं हड्डियों के परिवर्धन को नियंत्रित करता है, मतलब वृद्धि को नियंत्रित करता है? बताइए, जीएच, एडीएच, एसीटीएच या फिर पीटीएच। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा, ए नंबर का सही आंसर। किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है? आयोडीन का होना किस हार्मोन के लिए आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थायरोक्सिन। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्रेनियम इसे कहा जाता है, मस्तिष्क की गुहा को क्रेनियम कहा जाता है। हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? अब दोस्तों इसमें ये नहीं बताया है कि कौन सा हार्मोन, केवल और केवल हार्मोन के बारे में बताया है कि यह स्रावित होता है कहाँ से। अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से। तो दोस्तों हार्मोन हमेशा अंतः ग्रंथि से स्रावित होता है, जो अंदर में ग्रंथि होती है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन, कोशिका विगलन, विलगन या फिर फल पकाना, एब्सिसिक अम्ल का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका विलगन इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एंड्रोजेन क्या है? एंड्रोजेन क्या है? नरलिंग हार्मोन है, स्त्रीलिंग हार्मोन है, पाचक रस है या फिर पाराथायक हार्मोन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये नरलिंग हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है? अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है? ग्लूकोजन, इंसुलिन, गैस्टिन या फिर सीटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सीटी हार्मोन नहीं निकलता है। मनुष्य के शरीर में निम्न विकल्पों में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यकृत, थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी ग्रंथि।
तो दोस्तों यकृत जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आता है। गर्भवती महिला में आखिरी समय में गर्भाशय के संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है? संकुचन के लिए चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। FSH, LH, MSH या फिर पोटीसिन, पिटोसिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी नंबर का लिया है, पीटोसिन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिबेलम द्वारा, सेरिब्रम द्वारा, थायराइड द्वारा या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सेरिब्रम द्वारा नियंत्रित होता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावण होता है? प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजेन का, रिलैक्सिन का या इनमें से सभी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है मादा जनन अंग से हार्मोन निकलता है। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा सेरिब्रम पेंडकल, ये जो है मस्तिष्क का भाग है जो हृदय गति तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है। अगला है आपका, पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना कौन सी अनुवर्तन गति कहलाती है? गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन या इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन जो है ये गति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हो जाएगा जड़ का बढ़ना, इसमें उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका द्वारा, रसायन द्वारा या फिर दोनों द्वारा या इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों विभिन्न जैविक कार्य है तो विभिन्न जैविक कार्य में बहुत सारे कार्य आते हैं, इसका दोनों हो जाएगा। किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है? HCG, HCT, HPL या फिर HCN? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा HCG का होना, ये प्रमाण है कि वो गर्भवती है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत पौधे का कौन सा भाग आता है जो प्रकाश के तरफ जो है गति करता है? प्रोह कहा जाता है, पत्तियां या फिर जड़ें या दोनों ए और बी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि प्रो और पत्तियां जो है प्रकाशानुवर्तन की गति को फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है? किस हार्मोन से? T3, T4, CT या फिर इंसुलिन? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा CT हार्मोन से कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में किसे मास्टर अंतःग्रंथि कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को, थायराइड को, एड्रिनल को या फिर यकृत को? तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। निम्नांकित में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। आगे बढ़ते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? साइटोकाइनिन, ऑक्जिन, जिबरेलिन या फिर बी और सी दोनों?
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सिन भी रहता है, ऑक्जिन भी रहता है, जिबरेलिन भी रहता है, बी और सी दोनों, डी नंबर का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में एड्रिनल ग्रंथि के कारण निम्नांकित में से कौन से रोग हो सकता है? एड्रिनल ग्रंथि के कारण कौन सा रोग हो सकता है? कान सिंड्रोम, केसिंग सिंड्रोम, एडिसन बीमारी या फिर तीनों? तो दोस्तों ये तीनों बीमारी हो सकता है एड्रिनल ग्रंथि के कारण। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क के मेड्यूला अम्बलाग्नोटा जो होता है इससे क्या नियंत्रित नहीं होता है? खांसना, मूत्र त्याग करना, भोजन निकालना या फिर हाथों का परिचालन, क्या नियंत्रित नहीं होगा? तो दोस्तों हाथों का परिचालन करना ये नियंत्रित नहीं होगा। निम्नांकित में से किस में रासायनिक अनुवर्तन देखा गया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों पराग नलिका में रासायनिक अनुवर्तन की क्रिया होती है। किसे बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है? थॉरक्सिन को, प्रोलैक्टिन को, सिरेक्टिन को, ऑक्सीटोसिन को, क्या हो जाएगा? बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है वो है आपका प्रोलैक्टिन, बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर का, ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, बाद बाकी आपका सभी पादप हार्मोन है। नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को क्या कहा जाता है? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या फिर फेरोनोन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हार्मोन कहा जाता है। अगला है आपका, निम्नांकित विकल्पों में दिया गया कौन सा विकल्प पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रोन्नत करता है? ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या इनमें से सभी? तो दोस्तों ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये जो है सभी कोशिका विभाजन को प्रोन्नत करता है। अगला है आपका, प्रजनन में शुक्राणु या अंडाणु का संश्लेषण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों FSH, ए नंबर का सही आंसर। निम्नांकित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा पाराथार्मोन, ये जो है आपका कैल्शियम की मात्रा को रक्त में नियंत्रित करता है। अगला है आपका, मनुष्य में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? दूध उत्पादन के लिए सही जवाब हो जाएगा प्रोलैक्टिन। अगला है आपका, किसी पौधे की जड़ें इनमें से कौन सी गति दर्शाती है? पौधे की जड़ जो होती है वो मिट्टी की तरफ जो है आकर्षित होता है, तो इसे कौन सा गति बोलेंगे? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन या धनात्मक गुरुत्वाकर्षण या फिर ए और सी दोनों? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर का, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और धनात्मक गुरुत्वाकर्षण, डी नंबर का सही आंसर। लेकिन दोस्तों पौधे की जड़ें हैं, जड़ तो आपका प्रकाश की दिशा में नहीं बल्कि प्रकाश के पर निर्भर नहीं रह करके यह गुरुत्वाकर्षण गति होता है, ए नंबर का
मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, इसका जो है धनात्मक गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा निम्न में से किसके क्रमशः ह्रास होने के कारण होता है? क्या ऐसी चीज़ है जो ह्रास होती है तो बुढ़ापा आ जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा थाइमस नामक जो है एक कह सकते हैं ग्रंथि होती है जिसका ह्रास होने से बुढ़ापा जो है आती है। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है किसके द्वारा? इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रमस्तिष्क से नियंत्रित होती है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से, अवटु ग्रंथि से, अधिवृक्ष से, या इनमें से कोई भी नहीं? जंतु में वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से आती है। अगला है आपका, मानव में घ्राण ग्राही स्थित होती है आंखों में, नाकों में, कानों में, या इनमें से सभी? तो दोस्तों नाक में जो बाल होते हैं उसी को घ्राण ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। काला बाजार बीमारी किस रोग के जनक के कारण है बताइए? काला बीमारी जो होता है यह रोग क्यों होता है? प्लाज्मोडियम के कारण, लेशमानिया के कारण, अमीबा के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस रोग के जो जनक होते हैं लेशमानिया के कारण ही होता है। ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है कहाँ? जड़ में, स्तंभ शीर्ष में, पत्तियां में, या फिर फल में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्तंभ शीर्ष में जो है ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? शीर्ष पर, जड़ों में, भ्रूणपोष में, या फिर बी और सी दोनों में? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका होमवर्क के रूप में रहा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपका पार्ट फोर के रूप में होने वाला है जिसमें 200 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।